कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव रत्नावली का आगाज हो चुका है। रत्नावली का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान रत्नावली समारोह में 34 हरियाणवी विधाओं में 3000 से ज्यादा छात्र कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। NIT कुरुक्षेत्र निदेशक प्रोफेसर बीबी रवन्ना रेड्डी ने रत्नावली का शुभारंभ किया। हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहा है। ना केवल हम लूर नाच जैसे नृत्य जो कि विलुप्त तो हो रहे थे, हमारे जो सांग है विलुप्त हो रहे थे, ना केवल उनको सहेजने का काम कर रहे हैं, अभी तो इसके अंदर बहुत सारी नई तरह की विधाएं भी वो बाहर निकल रही हैं, जैसे हरियाणवी पॉप है, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, इन सब की जन्मस्थली भी रत्नावली है। और हमारे फिल्मी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सितारे हैं आज की डेट में अगर बात करें हम तो यशपाल शर्मा है, मेघना मलिक है, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये सब कलाकार भी इसी मंच से निकले हुए हैं। तो अपने आप में एक बहुत संतुष्टि मिलती है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, हरियाणवी साहित्य इसको सहेजने का बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहा है। तो मैं अपनी ओर से रत्नावली के इस शुभ अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और आयोजकों को जिन्होंने बहुत सुंदर भव्य अरेंजमेंट यहाँ पर किया है उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त प्रेम देहाती ने कई हिंदी और हरियाणवी फिल्मों में अपने गीतों और गायन के माध्यम से हरियाणवी लोककला की रंगत को बिखेरने का काम किया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा मेला है, ये आधुनिक मेला है, हैं? और विश्वविद्यालय अपने आप में अपनी पहचान है इसकी विश्व में और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और हमारे जैसे आदमी को इतनी खुशी है कि हमने तो चौपालों में, नुक्कड़ों पे, गामा में, वैसे तो हम देश विदेश में भी गए हैं, पर आज जो है हमें यहाँ मुख्य अतिथि इन्होंने बनाया है, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ढेरों शुभकामनाएं आपको भी, सभी सुनने वालों को। ऐसा जी, मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। पहले गांव में भजनी आया करते, आर्य समाज जी आया करते, सांगी आए, फिर लोक संपर्क विभाग के नाटक होया करते, वह भी बहुत अच्छे थे। फिर रागिनी कंपटीशन का दौर होया, फिर ये लेडीज जो सिंगर हैं, डांसर हैं, इनका दौर भी देखा। बदलाव तो जरूरी है सर। बता दें कि इस बार रत्नावली में हरियाणा की प्रसिद्ध लोक संस्कृति और हरियाणा की लोक कला और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने के लिए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर सॉन्ग, रागनी, हरियाणवी डांस, हरियाणवी चुटकुले, सामाजिक मुद्दों पर हरियाणवी नाटक सहित 34 विधाएं रखी गई हैं। दूर दराज से कला प्रेमी यहाँ पर लुत्फ उठाने आते भी हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।